फ्रेंड्स, सास बहू का ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम नाश्ते के लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है मैंगलोरियन भेल। इसे मेरी सास बनाती थी और ये टेस्टी भी बहुत होती है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और कई जगह पर सेव फरसान नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में यह बिना सेव की भेल बनाना बहुत ही अच्छा पर्याय है। तो चलिए बनाते हैं मैंगलोरियन भेल। भेल बनाने के लिए हमें जो नारियल है वो आधा लगेगा। आधे नारियल को हम इस तरह से उसके अंदर का सारा नारियल कोपरा निकाल लेंगे। आपके पास यदि ये नहीं होगा तो आप इसको कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमने पूरा नारियल को किस लिया है। अब इस नारियल को हम साइड में रखेंगे। 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 इंच इमली और उसके बाद हम मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, लेकिन वो बाद में पीसने के समय में। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट, पहले इसको सेक लेंगे हम, इमली को साइड में निकाल के इन दोनों को सेक लेंगे। धनिया और जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसको मिक्सर के बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमने नारियल पीस के रखा था उसको भी उसके ऊपर डाल देंगे। इसमें हम जो इमली रखी थी हमने, उस इमली के जो ये रेशे हैं वो निकाल लें, साइड में रहते हैं जो, उसको इमली को डाल दिया है। थोड़ा वो जो गुड़, 1 टीस्पून हमने गुड़ लिया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, नमक जो है हम स्वादानुसार डालेंगे। अभी हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इसमें कुरमुरा डालने के बाद हमें एक्चुअल उसमें कितना नमक की जरूरत है वो समझ में आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे, जब नारियल को हम पीस रहे हैं उसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। ये तेल हमें कच्चा तेल ही डालना है। एक चम्मच हमने तेल डाल दिया है। इसको मिलाएंगे हम और इसमें जितना समा सकता है उतना ही कुरमुरा हम डालेंगे। मतलब कुरमुरे में ये सारी चीजें लग जाना चाहिए। अभी हम 1 कटोरी डाल रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। इससे ज्यादा हमको डालना पड़ेगा कुरमुरा। ये देखिए, इसमें मैंने 4 कप कुरमुरे डाले हैं और वो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए। इसमें और कुछ नहीं डालना है। अब आप टेस्ट करके देख सकते हैं, यदि इसमें नमक कम लगता है और यदि तीखा आप ज्यादा खाना चाहते हैं तो आप इसमें नमक और मिर्च वो अपने स्वादानुसार डालें। भेल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। भेल एकदम तैयार है। इसके ऊपर आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल लॉकडाउन के कारण मुझे धनिया नहीं मिला है इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला, लेकिन हरा धनिया डालेंगे तो और बहुत ही सुंदर लगेगा और टेस्ट में तो ये अच्छा है ही, लेकिन और अच्छा लगेगा दिखने में भी। तो आप भी इसे बनाइए और बनाकर कमेंट कीजिए कैसा आपको लगता है टेस्ट इसका, और
पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं हम कल फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप घर में रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।